अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप टिकटॉक पर अकाउंट बनाते हैं, जैसे आप अपना बर्थडे देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा आता है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पर भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके सामने भी यही वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने करना क्या है, जो टिकटॉक आपके पास मौजूद है आपने उसको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। करने के बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक का एक लिंक मिलेगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ब्राउजर ओपन हो जाएगा, वहां से आपने टिकटॉक को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके टिकटॉक को इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों टिकटॉक को इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, अगर आप यहाँ से अपने गूगल अकाउंट पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर गूगल पर क्लिक करें, फेसबुक अकाउंट के जरिए बनाना चाहते हैं तो फेसबुक पर क्लिक करें, अगर आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं या फिर ईमेल से तो यहाँ पर आपने यूज फोन और ईमेल पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अब आपके सामने बर्थडे आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने बर्थडे दे देना है, ठीक है। आप जैसे आप बर्थडे देंगे वो प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। आपने करना क्या है, जब आप ईयर सिलेक्ट करें तो यहाँ से आपने ईयर 20 से ऊपर ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 20 से ऊपर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों 20 से अगर आप ऊपर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके सामने ये वाला जरूर प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि आपने जो टिकटॉक है वो टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया है और न्यू टिकटॉक आपने डाउनलोड किया हुआ है। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपने टिकटॉक को इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपके सामने ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, बर्थडे देने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर हल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप अपने सैंपल टिकटॉक आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना नंबर, अगर आप ईमेल के जरिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने ईमेल पर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपना ईमेल दे देना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।